आ गए आप? कहीं जा रहे हैं आप क्या? आज अपने आपके मन का खाना बनाए हैं हम। देखो मेरे लिए खाना बनाने की कोशिश ना करे करो, जो तुमको खाना अपना बना लो खा लो, मैं बाहर ही खाना खाऊंगा ठीक है, और टोका मत करो मैं कहीं आया करूँ तुम। किया था तो शाम को मिलते हैं ना, अभी कोई जरूरी है, अभी तो टाइम है बहुत, थोड़ा तो और काम निपटाने हैं, शाम को मिलते हैं ठीक है। क्या है? चाय। अरे मैं कह रहा हूँ कि मुझे चाय वाय खाना ना नमाज दिया करो, मैं बाहर जाऊँगा वहीं चाय पी लूंगा ठीक है, मेरे लिए पेट मत उठाया करो। आजकल क्या हो गया है, आप तो ठीक से बात भी नहीं करते हो। आज हमारे शादी की सालगिरह है तो आप जल्दी आ जाना है। हम काम धंधा छोड़ के शादी की सालगिरह मनाएं, खा लेना आपके खाना। अरे कोई काम धंधा कर रहा है वो भी आप ही लोग कर रहे हैं शादी की सालगिरह। अरे क्या है, हो गया, कौन सी खास बात हो गई शादी की सालगिरह में? हर समय शादी की सालगिरह अरे यार तो कहो मैं ना आओ, तुम्हारे लिए पूरा दिन पूरी रात मेरे पास है। मैं ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा तुम्हारे यहाँ ठीक है। अरे तुमने सादा किया एक बार कह दिया और बंदा हाजिर, मैं अभी आ रहा हूँ ठीक है। मैं अभी बस बस तुमने फोन रखा और मैं अभी वहीं पे हाजिर रखता हूँ। कहाँ हो? आ गए आप? क्या हो गया? मेरी तबीयत खराब है, मेरे हार्ट, मेरे यहाँ पे बैठो, देर हो गई है। डॉक्टर साहब पता नहीं कर क्यों नहीं आए, तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है पर आए नहीं है। अभी ठीक है, मैं फोन कर हूँ उसके बाद बात करता हूँ। हेलो, हाँ अरे मैं सॉरी मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई। ये क्या कह रही हो, मेरी तबीयत खराब हो गई? तुम कह रहे हो कि तुम्हारी पार्टी खराब हो गई है, मतलब तुम्हें मेरी तबीयत की बिल्कुल फिक्र नहीं है क्या? आज के बाद मुझसे बात मत करना, मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, मैं तेरा नंबर अभी ब्लॉक लिस्ट में डाल रहा हूँ, ब्लैक लिस्ट में, और अभी मैं तुझे आज के बाद तू फोन मत करना ठीक है। मुझे माफ कर दो, मैंने जिसके खातिर तुमसे ऐसा रवैया अपनाया, तुमसे उल्टा सीधा बोला,
उसने मेरा साथ छोड़ दिया और तुमने, मैं मर रहा था, मैं बीमार पड़ा था और तुमने इतनी मेरी सेवा की, तो जान, मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, पत्नी से बढ़कर कोई दूसरा साथ नहीं दे सकता। इंसान की बहम होता है कि वो किसी और को चक्कर में पड़ेगा और वो उसका साथ देगी, कि कोई नहीं साथ देता है, सिर्फ पत्नी ही एक ऐसी है जो इंसान के बीमारी में, इंसान की परेशानी में उसका साथ देती है। तुम मुझे माफ कर दो। आज के बाद तुम मेरे मन का खाना बनाना, मैं खिलाऊंगा प्यार से। जाओ तो मेरे चाय लेके आओ, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। ठीक है, मम्मी लेके आती हूँ। पहले तुम पियो। जीवन में सिर्फ अपना कोई होता है तो अपनी बस संगनी, जीवन संगनी, अपनी पत्नी और कोई नहीं साथ दे सकता है। मुझे आंखें खुल गई हैं दोस्तों। आप सब भी अपनी पत्नी पे ही भरोसा करना, दूसरे के चक्कर में पड़ के अपनी पत्नी का अपमान कभी मत करना। पत्नी आपके हर मुसीबत में, हर परेशानी में साथ देती है, मैंने खुद देख लिया, अब आप लोग अपना समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, यार दोस्तों में शेयर करना, ताकि वो भी अपने पत्नी को इज्जत दें, सम्मान दें। दूसरे के चक्कर में अपने घर का घर मत बिगाड़िएगा।